चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय किसान संघ राजस्थान के नेतृत्व में किसानों ने किया तहसील केंद्र बलियाकोट पर तहसील स्तरीय प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इस संबंध में भारतीय किसान संघ ने बलियाकोट तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अपने ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने विद्युत, सिंचाई, मुआवजा अनुदान, ऋण, मंडी एवं विपणन आदि किसानों के संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में क्या कहा भारतीय किसान संघ के किसानों ने। जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सर बताइए क्या मांगे हैं आपकी, भारतीय किसान संघ की? बताइए। हमारी मांगे, हमें एक तो खराबा का पैसा नहीं मिला अभी तक, और वो है ना, तो अभी तक 20% भी खराबा का पैसा नहीं मिला। दूसरी हमारी मांग और है कि बिजली का बिल, बिजली का बिल जो 5 HP पे था वो 833 रुपया, जबकि पीले वाली बीजेपी सरकार ने 5 साल तक दिया और 2 महीने का 1666 रुपया देता। अब की कांग्रेस सरकार में ऐसा क्या हो गया वर्तमान सरकार में जो उसने अभी तक 2 महीना दिया, फिर इसलिए वापस वो सब्सिडी जो है वो बंद हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, फिर हमें खराबा का पैसा नहीं, टिड्डी दल नुकसान। और जब तक किसानों के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तब तक हमें कुछ लाभ होने वाला, और हम आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे ही आंदोलन का कई सारे मांगे, बाड़ाबंदी, बाड़ाबंदी है और ये तारबंदी है। अब वो गवर्नमेंट कह रही है कि तारबंदी आप समूह में करो, अरे भाई समूह में कैसे होगा, समूह में खेत तो हमारे होंगे, चार एक खुद के होंगे, तो उसको अलग से क्यों नहीं पैसा दिया जाए। ये मांगे दवाई का छिड़काव है व्यक्तिगत दो, समूह में देना को गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन वो संभव नहीं है, व्यक्तिगत होना चाहिए। और मुख्य बात तो खराबा का पैसा अभी तक नहीं मिला, और दूसरी बात ये है कि दवाइयों का मैं सब में सब्सिडी मिलनी चाहिए, समय पर खाद बीज वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। इतना सारा गवर्नमेंट के पास में पैसा है नहीं है, पैसा नहीं होता सरकार के पास, बिल माफ नहीं करता। कितने दिनों से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जैसलमेर जयपुर में आज महीने भर से चक्कर काट रहे हैं, कितना पैसा खर्च होगा। अगर एक ही दिन का पैसा दे देना तब भी हमारा तो सब किसानों का पूरा हो जाए। कृषि उपज मंडी खोली जाए, कई सारी मांगे। अब पूरा ज्ञापन हमने कल एडी साहब को दिया। सर बताइए, सर आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जिले में मतलब जो कृषि मंडी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो जैन जो लोग जो भी है ना, वो हमारे औने पौने दामों में हमारी अनाज खरीद लेते हैं और हमें उसका पूरा कीमत नहीं मिल रही है, इसलिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि यहाँ मंडी खोली जाए। कहीं नहरों का सफाया नहीं कर रही है, कहीं काम किया अधूरा तो पूरा पड़ा हुआ है। बार बार किसान लोग उनके रिपीट करते हैं सरकार को कि भाई ये काम करो, बल्कि वो कर नहीं रहे। हजार प्रकार से ये कि जैसे कि खराबा का पैसा लोगों, बहुत सारे लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला अभी तक। और बाकी सब ये जो मांगे हैं किसानों की, बहुत बारी हमारी ऐसी मांगे हैं जो राज्य स्तर पर है और उसको सरकार पूरी करे, ये हमारी सबसे भावना के उनके सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी मांगे किसानों की पूरी। बताइए आज का आपका धरना प्रदर्शन का जो आपने आयोजन किया है यहाँ पे गलियाकोट तहसील के पास धरने पर आप बैठे हुए, क्या मांगे आपकी? हमारे राज्य सरकार से, हमारे पूर्व की सरकार के द्वारा आए थे, किसानों को 5 HP की मोटर पे 855 रुपया सब्सिडी दी जाती थी, वो वर्तमान सरकार के द्वारा ये सब्सिडी समाप्त कर दी गई। इसलिए हमारी विद्युत बिल में जो कटौती तो माफ होना चाहिए, वो माफ नहीं हो रहा, इसलिए अब धरने पे बैठे। कितने दिनों से बैठे हो साहब आप? वो आज से शुरू किया सब। अच्छा, आपने कोई ज्ञापन दिया? ज्ञापन कल दिया सर। ज्ञापन में क्या दिया आपने? 14-15 मांगे रखी हमने सब अलग अलग सब, पर अभी तक हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, पर हमारी भी एक भी बात का अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और राज्य सरकार उसको टालम टोल कर रही है। कब तक रहेगी आपकी ये 12 तारीख तक रहेगा हमारा सर धरना सर। आप सब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमन लाल पाटी सर, जिसे तहसील अध्यक्ष गलियाकोट। आपका संघ कौन सा है? कौन सा संघ है आपका? भारतीय किसान संघ। ये भारतीय किसान संघ के सभी पदाधिकारी आज धरने पर बैठे हुए और इनकी ये मांग है कि भाई हमारी जो मांगे हमारी वो पूरी की जाए। क्योंकि नियंत्रण के लिए हमने गवर्नमेंट से मांग की है कि उसको छिड़काव के लिए हमें केमिकल और डीजल उपलब्ध कराया जाए, पर फिर वो भी कोई ध्यान दे रहे नहीं है। उसके किसान जंगली जानवरों को रक्षा के लिए, बाड़बंदी के लिए हमने ट्राई की, पर वो गवर्नमेंट
कि गवर्नमेंट चाहती है कि समूह में करो यूँ, पर समूह में ये संभव है नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत हर किसान को अलग अपने हिसाब से ये बाड़बंदी की सुविधा मिले तो अच्छा रहेगा सर।